हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र नाम कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य, श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार वह भगवत धाम वापस लौट जा सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा श्री विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का बोधक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के समान ही आदरणीय हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के गुहातम सेवा में संलग्न रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें श्री भगवान ने अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है।